नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुरेखा पाटिल आर्ट में। आज 14 फरवरी है और आज दो त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं, पहला वसंत पंचमी और दूसरा वैलेंटाइन डे। तो मैंने सोचा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार पहले हम थोड़ा सा तवज्जो वसंत पंचमी को देंगे, इसलिए मैंने पहला गाना सिलेक्ट किया है और साथ में वैलेंटाइन डे भी मनाएंगे उसके ऊपर भी मैंने एक सॉन्ग लिया है। तो प्लीज दोस्तों बने रहिएगा, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अंत तक देखते हुए, पूरा देखने के बाद आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वसंत पंचमी का थोड़ा महत्व बताते हैं। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और जो बच्चे थोड़ा सा अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ना लिखना बोलना, तो उनके लिए भी या तो हम घर में भी कर सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट में तो बड़े बड़े पंडाल लगा के बड़ी सी सरस्वती देवी की मूर्ति के सामने कॉपी किताब अपना रख के और फिर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, मंगल गीत गाए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि इस दिन पीले वस्त्रों का भी खास महत्व रहता है, जैसा कि मैंने भी अभी थोड़ा सा पीला रंग पहन रखा है और वो शायद हम प्रकृति से इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि खेतों में जो सरसों के फूल फूलते हैं वो भी पीले रंग के होते हैं। तो ये उत्तरायण के बाद में ये जो हमारा वसंत की बयार चलती है, जिसे कहते हैं दिन बड़े होने लगते हैं। और लकीली क्या हुआ दोस्तों, मैंने आज ही के दिन कोयल और बुलबुल दोनों की आवाज एक साथ सुनी, तो मेरा दिन तो एकदम अच्छे से स्टार्ट हो गया। और फिर सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ कि कोयल और बुलबुल शब्द जिस गाने में है वो भी मेरे माइंड में आ गया, तो मैं पहले आपको वही गाना गाकर सुनाती हूँ, उसके बाद आपको धीरे से पता चल जाएगा ये किसने गाया है, सेकंड वाला भी पता चलेगा, और नहीं है तो हम हैं ही बताने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस गाने को। पत्ते झड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पतझड़ सावन बसंत बहार, कोयल कूके कुकू कुकू कू, कोयल कूके बुलबुल गाए टिट टिट, कोयल कूके बुलबुल गाए, हर एक मौसम आए जाए, लेकिन प्यार का मौसम आए, लेकिन प्यार का मौसम आए, सारे जीवन में एक बार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार। चलिए अब ये किसने गाया है वगैरह हम लास्ट में बताएंगे, जल्दी से हम सेकंड सॉन्ग भी स्टार्ट करते हैं। वैलेंटाइन डे के लिए मैंने एक खास गाना यहाँ लिया है जो अंग्रेजी में है और कहते हैं कि हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का ये पहला इंग्लिश गाना था। इसको भी बता देंगे किस फिल्म से था, किसने गाया था, पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। माई हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग, आई एम वेटिंग फॉर, माई हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग, I am waiting for you, my love encloses a plot of roses, and when shall be then our next meeting?
whose love you know. That time is fleet, that time is fleet, that time is fleeting. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. La 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 la. तो दोस्तों ये सॉन्ग किस फिल्म का था? उसके पहले हम पहले सॉन्ग के ऊपर आ जाते हैं। पहला सॉन्ग था फिल्म सिंदूर से, गायिका थी अपनी लता दीदी, गाने का नाम था पतझड़ सावन बसंत बहार। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और आनंद बख्शी जी की इसमें जोड़ी थी। और ये जिस समय इसका फिल्मांकन हुआ था, ये तीन लोगों के ऊपर हुआ था। नीलम जी अपना माइक के ऊपर गा रही थी और सामने शशि कपूर साहब बैठे थे और साइड में अपने स्टेज के साइड में गोविंदा जी खड़े थे। तो इस गाने का मीनिंग क्या निकलता है आपको देखने से ही पता चलेगा। पांचवा मौसम प्यार का, तो उस प्यार में क्या क्या अर्थ लिए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सॉन्ग की तरफ। ये गाना था फिल्म जूली से और ये गाया था गायिका प्रीति सागर ने। और ये गाना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पहला इंग्लिश गाना था। और इसके जो लिरिक्स थे, ये लिरिक्स हैं चट्टोपाध्याय जी के, और बताया मैंने प्रीति सागर जी ने इसको गाया है। तो ये गाना भी बड़ा खूबसूरत सा पारिवारिक माहौल में इसको गाया गया है। आप देखेंगे तो आपको भी सुना ही होगा आपने, आपको बड़ा पसंद आएगा। ये बड़ा सूदिंग सूदिंग सा सॉन्ग है। और रही बात दोस्तों ये कि फिर हमें वसंत पंचमी ही मनाना चाहिए, वैलेंटाइन डे को बायकॉट करना चाहिए वगैरह वगैरह जैसे चलते रहता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि तो मनाइए ना। अगर आपको वैलेंटाइन डे भी मनाना है तो मनाइए ना, लाल गुलाब दीजिए ना। जरूरी थोड़ी है कि लाल गुलाब आप प्रेमिका को ही दें, क्योंकि उसका मतलब होता है प्यार करना किसी से। तो प्यार तो आप अपनी माँ से भी करते हैं ना, तो कम से कम उनके लिए तो आप ये त्यौहार मना ही सकते हैं। तो इसीलिए और बेचारे जो फूल वाले हैं, लाल गुलाब की खेती करते हैं, उनको भी तो थोड़ा सा उनके अर्निंग को हमको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा तो सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ जिसको कुछ कारोबार मिल रहा है, जहाँ उसकी आर्थिक आय बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको भी चलने देना चाहिए। व्यर्थ के झमेले में हम ना पड़े। हमको अगर दोनों त्यौहार पसंद है, हम दोनों त्यौहार को मनाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नए गाने के साथ में, है ना, और गजल भजन भक्ति गीत कव्वाली के साथ में। जाने से पहले तीन काम करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट और लाइक्स तो बनता ही है दोस्तों। चलिए टाटा बाय।